ये टैलेंटेड एक्ट्रेस पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उन स्टार्स में से हैं हु हैज बीन वोकल अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड सोशल इश्यूज। हेलो एवरीवन, बहुत कम स्टार्स ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ अपने टैलेंट बल्कि अपने अच्छे कैरेक्टर और काइंड हार्ट की वजह से शोहरत रखते हैं। ऐसे ही फनकारों में शुमार होता है गॉर्जियस अर्मीना खान का। ये टैलेंटेड एक्ट्रेस पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उन स्टार्स में से हैं हु हैज बीन वोकल अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड सोशल इश्यूज। और इनकी ऐसी ही खिदमात की वजह से रिसेंटली अर्मीना को यूरोपियन पार्लियामेंट के मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इनवाइट भी किया। उनके इस विजिट के बारे में जानने के लिए ईपीके ने यूरोपियन पार्लियामेंट के हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में अर्मीना से राब्ता किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर एट द यूरोपियन पार्लियामेंट इन स्ट्रासबर्ग टुडे। द यूरोपियन पार्लियामेंट इज द पार्लियामेंट फॉर द होल ऑफ द यूरोपियन यूनियन कवरिंग 510 मिलियन पीपल 28 कंट्रीज and it's made up of 751 members. I've had the honor of meeting with some of those MEPs this week to discuss the issues that I'm passionate about. It has been so interesting to learn how the European Parliament works and how it affects the citizens of these 28 countries, as well as people around the world. I've just had a very productive and meaningful discussion with the Vice President of the Parliament, and I shared my thoughts on some key issues. So, from a Pakistani perspective, it has been fascinating to hear about how the EU engages with Pakistan, as well as how Pakistan engages with the EU. It's an interesting time for both the EU and Pakistan at the moment, as Pakistan recently had some monumental elections, and the EU is preparing for its elections in May. So, it has been an honor to visit this truly incredible international institution, and one that I'll carry with me for the rest of my life. Thank you, Europe. ये पहली मर्तबा नहीं है कि अर्मीना made us proud on international level. इससे पहले अर्मीना का नाम 2018 की top 50 sexiest Asian women की लिस्ट में भी आ चुका है। ये ही नहीं, अर्मीना वो पहली पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया। हमारा तो यही कहना है कि अर्मीना जितनी शक्ल की खूबसूरत है उतनी दिल की भी। We wish her best of luck. That's it for now. Stay connected for more entertainment news.